नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चलेंगे फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में ही स्थित है। उदयपुर में तो वैसे काफ़ी झीलें हैं, क्योंकि झीलों की नगरी का अगर नाम आता है तो पूरे विश्व में उदयपुर को ही जाना जाता है, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर नगरी को ही कहते हैं, उदयपुर शहर को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी झीलें अवेलेबल है, मीठे पानी की झीलें हैं सारी। दोस्तों ये है फतेह सागर झील, यहाँ पर काफ़ी बड़ी झील है, काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है पर्यटकों को और काफ़ी खूबसूरत भी है, काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार 1678 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसको विकसित किया गया था, काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। यह जो इसका जो आकार है, एक नाशपति की तरह बिल्कुल आकार है इसका, और बीच में काफ़ी अच्छे द्वीप भी बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। देखिए जैसे वो बीच में नज़र आ रहे हैं आपको। यह झील दोस्तों उदयपुर की चार झीलों में से एक झील है, फतेह सागर झील, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव है जैसे आप देख ही रहे हो वीडियो के अंदर। यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और बोटिंग का काफ़ी आनंद लेते हैं। इस फतेह सागर झील के अंदर बोटिंग कराई जाती है, जिस पर पर्यटक काफ़ी इंटरेस्ट लेके बोटिंग करते हैं। काफ़ी सुंदर झील है ये। फतेह सागर झील के किनारे काफ़ी छोटी बड़ी होटल्स अवेलेबल है, जहाँ पे बैठ के पर्यटक नाश्ता, कॉफ़ी या जूस जो भी खाना चाहें यहाँ पे अवेलेबल है। सारी देख लीजिए, जैसे होटल काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, और बोटिंग की बुकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं वो, और झील के अंदर सफ़र का आनंद लेते हैं। दोस्तों उदयपुर की सबसे खूबसूरत जगह है फतेह सागर, वहीं पे हैं हम। काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा फतेह सागर, जो मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है आपको, पूरा तालाब, पूरी झील ये है फतेह सागर झील है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी एंजॉय भी लेते हैं, फोटोग्राफ्स, वीडियो, और ज़्यादातर यहाँ पर शाम को लोग घूमने के लिए आते हैं 5 बजे बाद में। फतेह सागर झील दोस्तों चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, एक तरफ पूरा शहर बसा हुआ है, बट बाकी सब तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। ये सारी पहाड़ियाँ अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। फतेह सागर के किनारे ही ऊपर की पहाड़ी पर मोती मंगरी स्थित है, जहाँ पर जिसका वीडियो भी मैं हमारे चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा
स्थान है वो मतुई मंगरी भी। और यहाँ वहाँ पर क्या है कि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पूरा बताया गया है, और हल्दीघाटी में जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का उसके बारे में भी पूरी डिटेल से वहाँ पर बताया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से वो मतुई मंगरी भी दिखाई गई है, वो भी आप चैनल में या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, फतहसागर झील कैसी लगी आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। काफ़ी खूबसूरत झील है वैसे, उदयपुर झीलों की नगरी, और दूसरे अच्छे एक टूरिस्ट प्लेस के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।